जो पिछले क्लास में हमने सीखा था अक्षरों को जोड़कर लिखना और अक्षरों को दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द में हमने सीखा था। अभी हम सीखेंगे स्वर, स्वर के प्रकार। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्वर लिखती हूँ, जैसे कि अ आ ई ठीक है, ओ ये हो गए स्वर, स्वर हो गए कुल मिलाकर। यहाँ पे हमने अ से लेकर अम तक लिखा। अभी ये उच्चारण करने के लिए हमें एक के लिए कम समय लगता है, एक के लिए ज्यादा समय लगता है। जैसे कि अ के लिए कम समय लगता है, आ के लिए ज्यादा समय लगता है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे दो विभाजित हुए हैं, दो विभाग हैं, यानी कि दो को दो तरीके में हम कह सकते हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ व्यंजन स्वर। जैसे कि कम समय के लिए हम स्वर स्वर कहते हैं, ठीक है, और ज्यादा समय के लिए हम दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार होते हैं, जैसे कि वृष स्वर और दीर्घ स्वर। वृष स्वर यानी कि क्या है, एक अक्षर के उच्चारण के लिए कम समय लेता हो उसे हम क्या कहते हैं, वृष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण के लिए अधिक समय लेता हो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको पता है, मैं बताती हूँ, देखिए ध्यान से, ओ, इसके लिए कम समय लगता है, तो यहाँ पे वृष स्वर होता है अ, ठीक है। इसके बाद आ, आ के लिए ज्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर में आ जाता है, ठीक है, आ, ठीक है। अभी ई, ई के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ई भी ये हो गया वृष स्वर, ठीक है। अभी बड़ी ई, बड़ी ई का उच्चारण कैसे करते हैं, ई, तो ई के लिए भी अधिक समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाता है। एक उसके बाद क्या है, ऊ, ऊ जो है ऊ के लिए भी ज्यादा समय लगता नहीं है, तो एक छोटी ऊ है एक बड़ी ऊ है, तो बड़ा बड़ी वाली ऊ के लिए ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इसके बाद है री, री के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता है, या रू कह सकते हैं आप, रू के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता। अभी जो है अगला अक्षर ए, ए के लिए भी ज्यादा समय लगता है, तो ये भी हो गया दीर्घ स्वर। और आई, आई के लिए भी ज्यादा समय लगता है उच्चारण के लिए, तो ये भी हो गया दीर्घ स्वर। अभी जो ओ जो है, ओ को भी ज्यादा समय लगता है, और इसके बाद है औ, औ को भी ज्यादा वक्त लगता है, तो ये हो गए वृष स्वर और दीर्घ स्वर। अभी बच गए हैं ये दो, अम और अहा। अम और अहा क्या है, अम जो है एक अनुनासिक है, अनुनासिक है, अम जो है अनुनासिक, ठीक है। और अहा क्या है, अहा जो है विसर्ग है,
यानी कि नाक आवाज ज्यादातर नाक से हम बाहर निकलते हाँ ठीक है। उसी तरह इसर्ग है अहा, अहा यानी कि मुंह से बाहर निकलता है, हवा निकलता है, ये उच्चारण बाहर जाता है, तो अहा ये जो है विसर्ग है। अभी यहाँ पे आपने सीखा कि वृत्त स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है और विसर्ग कौन सा है। और इसमें से अभी स्वर जो है कितने हैं, वृत्त स्वर जो है एक दो तीन चार, ये जो है चार है ठीक है, हिंदी में लिखेंगे चार ठीक है। अभी इसके बाद है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो है एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये कितने हैं सात है ठीक है, ये जो है सात। अभी अनुनासिक कितना है, अनुनासिक तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि हिंदी तीसरा एक कितने हैं, तो एक अनुनासिक है ठीक है, अनुनासिक एक है और विसर्ग भी है एक ठीक है। ये हो गया स्वर, स्वर को आपको ठीक तरीके से, स्वर का आपको पूरा यानी कि कितने प्रकार है, कौन सा विसर्ग है, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा विसर्ग स्वर है करके आपको पता रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको सही तरीके से डिक्टेट किया है, आप फिर से एक बार ये देख सकते हैं ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम व्यंजन, व्यंजन अक्षर कौन सा है, व्यंजन अक्षर जो है व्यंजन के वर्ग और ऊष्मा व्यंजन, संयुक्त अक्षर और कौन से हैं जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसकी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।